नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोध। इनको तो आप जानते होंगे, हमारे नए टमाटर बाबा अभिनव अरोरा जी। इनकी इतनी ट्रोलिंग हुई, इनके पेरेंट्स की ट्रोलिंग हुई, और ट्रोलिंग क्या, वो तो सही मैं कहूँगा कि उन लोगों को सीख देने के लिए लोगों ने अपने सलाह मशवरा दिए। और हम जैसे आम लोगों के सलाह मशवरा के साथ साथ इनके जो धार्मिक गुरु हैं, उन लोगों ने भी कहा कि भैया अभी ये मूर्ख है, अभी बच्चा है, इसको अभी भक्ति करने दो, सीखने दो, समझने दो, अभी ये बाबा बनने लायक नहीं है। लेकिन इसके माता पिता तो भैया दुकान जमाने की चाहत में थे, तो वो लगातार जो है वो काम करवाते रहे। अब जब इतना ट्रोलिंग चल रहा था तो हमें लगा कि भाई चलो अब तो इसके माता पिता को कम से कम अक्ल आ जाएगी, और अक्ल आने के बाद में जिस काम को वो करवाना चाहते थे अब उस काम को रोक देंगे, बंद तो नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए रोक देंगे और कुछ टाइम बाद दोबारा करेंगे। लेकिन भैया जैसे ही मैं इसकी प्रोफाइल पे गया, अभिनव अरोरा की प्रोफाइल पे, सुनिए बाबा जी हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। राधे राधे जी, अगर आपका कोई भी शुभ कार्य अटक रहा हो नहीं पा रहा हो, तो आप गोपाष्टमी के दिन गाय माता के कान में जाकर के वो कह दें, वो अवश्य पूरा होगा। गौ माता की जय हो। इसकी इस बात को सुनकर के जो है ना, सिर्फ ये रिएक्शन आता है। मतलब अब अभी कुछ लोग जो है वो आकर के सामने आए कि अरे भाई तुम इसकी भक्ति का क्यों इतना विरोध कर रहे हो, ये भक्ति ही तो कर रहा है। तो उन लोगों के लिए बता दूं कि इसकी भक्ति का विरोध नहीं हो रहा था। अभी आपको पता होगा कि ये खुद कहता है कि मैं लॉकडाउन से जो है वीडियोस डालना शुरू किया है, तो 2021-22 से लेकर के आज 2024 आ गया, तो अब से पहले किसी ने विरोध नहीं किया था। भक्ति का विरोध नहीं है, विरोध इस जहालतपन का है, इस जाहिलपने का विरोध है जो इसके माता पिता इस बच्चे से करवा रहे हैं। अभी ये लाइन इसने कहीं पे पढ़ी होगी या किसी बड़े बाबा के मुंह से जो है वो सुनी होगी और आ करके इसने यहाँ पर बोल दी। खुद के जीवन में उसका वास्तविकता कुछ है नहीं है, इसने कोई जांचा परखा नहीं है, इसका कोई प्रभाव औरों के जीवन में कभी हुआ है या नहीं है उसका इसको कोई पता नहीं है। बस किसी ने सुना या कहीं से पढ़ा और आकर के इसने ये बोल दिया। मतलब आप एक बात सोचो, मेरा शुभ काम है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा होगा, मेरे को बिजनेस में घाटा हो रहा है, और मैं अपने बिजनेस की घाटे की बात जाके गाय माता के कान में बोल दूं गाय अष्टमी के दिन, तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मेरा वो बिगड़ा काम बन जाएगा, मेरा बिजनेस चलने लग जाएगा। संभव है? आप सोचो, आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, और आपका 3 साल के बाद भी नंबर नहीं आ रहा, आप जाकर के गाय माता के कान में जो है बोल दो गाय अष्टमी के दिन, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या फिर उसके लिए गाय माता पढ़ाई लिखाई करेंगी और वो जाकर के एग्जाम दे करके आएंगी आपका कष्ट मिटाने के लिए? अरे प्रैक्टिकल तो हो, कहीं से कहीं तक कुछ हमें लगे तो सही कि हाँ भाई इसका प्रभाव पड़ने की संभावना कम से कम 1% भी है। दूर दूर तक भाई सब कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन ये लोग धर्म आस्था और भगवान की आड़ में जिस तरह के अंधविश्वास इनके अब से पहले चाचा बुआ फैलाने में लग रहे थे, अब ये भी जो है कूद करके आ रहे हैं, भैया हम भी बताएंगे, हम भी बताएंगे। मैं सबसे पहले तो इससे भी कहना चाहूँगा कि भाई अभिनव अरोरा, और अगर इसके माता पिता वीडियो देख रहे हो तो उसके माता पिता से भी कहना चाहूँगा, जरा अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को, भगवत गीता को एक बार जरा खंगालिए, और कम उम्र में बढ़ते मोटापे को कैसे कंट्रोल किया जाता है जरा उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, उसका भी कोई उपाय होगा। वो गाय माता के कान में बोलकर यदि इसका बढ़ता मोटापा जो कि शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, अगर वो कम हो सकता है तो पहले उसको कर लीजिए, लोगों को बाद में ही ज्ञान दे लेना है। अब सोचो अगर ये बोलते कि भाई गाय अष्टमी के दिन कोई एक त्यौहार इन्होंने बनाया हुआ है, तो भाई गाय अष्टमी के दिन जो है गाय माता को जाकर के खाना खिलाइए तो आपको अच्छा महसूस होगा, या जो गायों को खाना नहीं मिलता है उस एक दिन तो कम से कम सभी गायों को खाना मिलेगा तो सभी गायों का पेट भर जाएगा। अगर इस तरह की बात आती तो हमें भी समझ में आता, अच्छा भी लगता, और हम खुद भी सब मनाते हैं, उसको खिलाते हैं, हालांकि नॉर्मल डेज में भी खिलाते हैं, लेकिन उस दिन हम एडिशनल कुछ अच्छा खिला देते। लेकिन गाय अष्टमी के दिन आपका कोई बिगड़ा काम ना बन रहा हो, आप जा करके कान में बता दो
आपका काम बन जाएगा। तो इस चीज का विरोध हो रहा था और कल को ये गोलू बाबा इसी तरह का पाखंड और अंधविश्वास मंचों पे जाकर के हमारे भोले समाज के सामने फैलाते और वो मान भी लेते। क्यों? अकल के अंधे हैं, मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गवार हैं और धर्म की अफीम चाटे हुए हैं, है ना, भगवान की अफीम चाटे हुए हैं, तो वो मान लेते। अरे अभिनव बाबा ने बोला है तो कुछ तो सोच समझ के बोला होगा, कुछ तो अच्छा बोला होगा। तो इस चीज का विरोध था। और अभी देखो क्या गतिविधि बाबा और जो है आगे आगे करते हैं। जैसी जैसी गतिविधियां करते रहेंगे भैया आप लोगों के सामने, उसका दूसरा पहलू भी हम लाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और बस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप मत कीजिए लाइक, मत करिए सब्सक्राइब, बस लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।